जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर, अगर आप भी एआरओ ग्वालियर से आते हो तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतजार था। जिन बच्चों ने अपना अग्निवीर का एग्जाम पास कर लिया है एआरओ ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना अग्निवीर का एग्जाम पास कर लिया था, इंतजार कर रहे थे फिजिकल रैली डेट का कि जो हमारी फिजिकल है कब से होंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जो पहले फिजिकल होने थे वो अगस्त के महीने में होने थे, तो बच्चों ने अगस्त के लिए काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी लगन से अपनी रनिंग की थी, लेकिन किसी कारणवश उस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी तक जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर की जो रैली भर्ती वो इतनी तारीख से कराई जाएगी। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक न्यूज, बिल्कुल वेरीफाई न्यूज लेकर के आ चुका हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपकी जो रैली भर्ती है कितनी तारीख से होगी, कौन से महीने के अंदर होगी, कौन से ग्राउंड में कराई जाएगी। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। तो आप मेरे साइड में एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो। इस न्यूज़पेपर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के तहत आपके 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मध्य प्रदेश की, उनकी जो रैली भर्ती है वो रैली भर्ती के लोकेशन की अगर हम बात करें कहाँ पर कराई जाएगी, तो वो भर्ती आपकी इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ग्राउंड है, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सागर के अंदर पड़ता है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर आपकी भर्ती रैली कंडक्ट कराई जाएगी। वहां पर क्या है कि सेना के कुछ उच्च अधिकारी आए थे सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर से, वहां पर उन्होंने उस ग्राउंड का ब्यौरा किया था। ब्यौरे के अंदर उन्होंने जानकारी दी थी जब ग्राउंड देखने के लिए आए थे अधिकारियों को, कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको ये जानकारी दी थी कि आपको प्रबंध कराना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी रैली भर्ती दिसंबर के महीने में आयोजित करने जा रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के तहत जो आपकी रैली भर्ती होगी वो दिसंबर के महीने में इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड के अंदर कराई जाएगी। अब बात आती है कितनी तारीख से होगी, तो तारीख की उन्होंने कोई सटीक जानकारी दी नहीं है कि इतनी तारीख से आपकी रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन भर्ती आपकी दिसंबर के महीने में होगी, ये कन्फर्म है, मोहर लग चुकी है। आप अपनी रनिंग आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर दें अगर आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय बचा है रनिंग करने के लिए। अब बात आती है आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल है कि आपके हमारे के सर एडमिट कार्ड कब से देखने को मिलेंगे। तो एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो 28, 29, 30 नवंबर तक, मैं आपको बता दूं 28, 29, 30 नवंबर तक आपके पास मेल आईडी पर मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले पहले भी कभी भी मेल आ सकता है, लेकिन 28, 29, 30 तारीख तक सभी के पास मेल आ जाएगा कि जो आपकी फिजिकल है वो इतनी तारीख को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड सागर के अंदर आपकी भर्ती रैली कंडक्ट कराई जाने वाली है, और आपका जो एंट्री टाइम है ये रहने वाला है। तो आप अपनी मेल आईडी के माध्यम से क्या है कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपनी रनिंग स्टार्ट करें। दिसंबर के महीने में आपके फिजिकल होने, नवंबर के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के। अगर कोई डाउट है तो कृपया करके कमेंट करके बता दें जो भी आपके दिमाग में डाउट है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे कोई भी मैसेज करके कुछ भी जानकारी ले सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूँ टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।